हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अपने फ़ोन को आप रीस्टार्ट करना चाहते हो या दोस्तों रिबूट करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों ये बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हो शॉर्टकट सेटिंग से। दोस्तों आप में से दोस्तों काफ़ी सारे लोग दोस्तों अपने फ़ोन को पावर ऑफ करने के लिए फ़ोन पावर बटन को प्रेस करते होंगे, लॉन्ग प्रेस। या दोस्तों आप में से काफ़ी लोग फ़ोन को पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन इस तरीके से प्रेस करके फिर फ़ोन को रीस्टार्ट या पावर ऑफ करते होंगे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आज की दोस्तों बिना पावर और बिना वॉल्यूम बटन को यूज़ करें फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ओपन करो फ़ोन की सिस्टम सेटिंग को। सिस्टम सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा फ़ोन शेड्यूल का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप शेड्यूल कर लो रीस्टार्ट के लिए, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ और फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर दोस्तों तो टाइमिंग के लिए तो यहाँ पर सेट कर लो, ऑन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और पावर ऑफ के लिए भी कहीं से कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आपको बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर पावर ऑफ और पावर ऑन पर भी आप सेट कर सकते हो। और दोस्तों एक और ऑप्शन है, आप स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करोगे, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करोगे, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको इसको ऑन करना है। अगर इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपको गॉट इट करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके राइट साइड में एक मैन आइकन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, पहले नहीं आ रहा था अब आ रहा होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप शॉर्टकट सेटिंग से ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज, वॉल्यूम को, दोस्तों बिना पावर बटन को यूज़ करें स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हो, रीसेंट ऐप चेक कर सकते हो, असिस्टेंट सेटिंग यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन दोस्तों ऐसे क्लिक करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, शॉर्टकट सेटिंग से ऐसे क्विक सेटिंग को ऐसे ओपन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फ़ोन पावर ऑफ के लिए और दोस्तों यहाँ पर आ सकते हो, लॉन्ग प्रेस करते ही फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर रीस्टार्ट। दोस्तों ऐसे तो बिना बटन को प्रेस करें, बिना किसी वॉल्यूम बटन और पावर बटन को यूज़ करें, आप ऐसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे दोस्तों आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ और फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है कुछ सेकेंड, दोस्तों कुछ मत करना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हो शॉर्टकट सेटिंग से। दोस्तों बिना पावर बटन और वॉल्यूम बटन को यूज़ करें, आपका दोस्तों जो भी फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन है आपके फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट सेटिंग है, तो उसको ऑन करने के बाद ही आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार। आई होप दोस्तों आप समझ चुके हो फ़ोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हो शॉर्टकट सेटिंग से, और इस शॉर्टकट सेटिंग को यूज़ नहीं करना चाहते तो ऑफ कर लेना। बाय दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।